गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम माधवी, योर असिस्टेंट टीचर. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 6, ग्रीनलैंड, द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो. आज हम ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ेंगे. बेटा, ग्रीनलैंड एक ऐसा प्लेस है जो हमेशा वहाँ पर जो है वो आपको आइस यानी कि बर्फ़ देखने को मिलेगी. स्नोफॉल वहाँ पे होता रहता है. तो ग्रीनलैंड एक ऐसा लैंड है, एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा जिसे हम कह सकते हैं कि सरफेस है जहाँ पर हमेशा क्या होता है, बर्फ़ जमी रहती है. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. द अर्थ हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. द रीजन नियर दोस पोल्स आर कॉल्ड पोलार रीजन. देखो, ये कह रहे हैं अर्थ के दो पोल्स होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्थ पोल और दूसरा क्या होता है, हमारा साउथ पोल. तो इन पोल्स के पास का जो एरिया होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पोलार रीजन कहलाता है. देखो, मैं आपको एग्जांपल देकर बताती हूँ. जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड ये क्या हो गया, हमारा साउथन हेमिस्फीयर. ठीक है, तो ये जो हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर है और ये साउथन हेमिस्फीयर है ना, ये हमारे पोल्स हैं. ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये है हमारा साउथ पोल. इनको हम पोल्स कहते हैं. तो इनके पास के जो एरिया होंगे, इसके आसपास जितने भी एरिया होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे पोलार रीजन्स. क्या कहलाएंगे, पोलार रीजन्स. ये हमारे नॉर्थ के पोलार रीजन्स हैं और ये हमारे साउथ के पोलार रीजन्स हैं, क्योंकि हमारा नॉर्थ पोल होता है और ये हमारा साउथ पोल होता है. आई होप आपको पोलार रीजन्स समझ में आए होंगे. पोल्स के पास के जो एरिया होंगे, जो रीजन्स होंगे, वो हमारे पोलार रीजन्स कहलाएंगे. पार्ट्स ऑफ नॉर्थन यूरोप, नॉर्थन रशिया एंड नॉर्थन कैनेडा आर इन द पोलार रीजन. ये क्या कह रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ नॉर्थन यूरोप, यूरोप का जो नॉर्थन पार्ट है, नॉर्थन रशिया है, नॉर्थन कनाडा है, ये सारे हमारे कहाँ पे आते हैं, पोलार रीजन में आते हैं. द टुंड्रा रीजन अक्योर्स इन द नॉर्थ पोल रीजन बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल. द टुंड्रा रीजन इज फाउंड ओनली द नॉर्थन हेमिस्फीयर. ये क्या कह रहे हैं, जो टुंड्रा रीजन है वो भी हमारा कहाँ पर है, नॉर्थ में है, और ये सिर्फ नॉर्थन हेमिस्फीयर में पाया जाता है. इन साउथर्न हेमिस्फीयर द एंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका हैज़ अ परमानेंट आइस कैप. अगर हम साउथ साइड में आते हैं, ये देखिए, ये हमारी मिडल लाइन जो होती है वो क्या होती है, हमारी इक्वेटर होती है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ये क्या हो गया, हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर. तो ये कह रहे हैं जो हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो हमारा साउथर्न साइड में आता है और यहाँ पर पूरे साल भर यहाँ पे परमानेंट जो है वो क्या होती है, आइस जो है वो अच्छे से बर्फ जो है जमी रहती है. ठीक है, और टुंड्रा रीजन हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो है वो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर में है और यहाँ पर हमेशा क्या रहती है, बर्फ जमी रहती है. The lands near the poles are very cold because the sun never rises high up in the sky. Most of these are remain frozen for most part of the year. In this chapter, we will learn about the chapter of ice and snow, which is called Greenland. ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारे poles के पास के area होते हैं वहाँ पर maximum time जो है ना वो बर्फ जमी रहती है. आप देखोगे यहाँ पर, देखिए कि आपको पता है equator के पास में क्या होता है, हमारा sun होता है. ठीक है, इक्वेटर के पास में सन होता है, तो जो सन रेज हैं वो डायरेक्ट फॉल करती हैं इक्वेटर पे, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है, एटमॉस्फेयर कैसा हो जाता है, हॉट हो जाता है. ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पोल्स हैं यहाँ तक हमारी जो सन रेज है वो डायरेक्ट नहीं जा पाती, यहाँ पर टेढ़ी जाती है सन रेज. तो जितनी हीट की अमाउंट यहाँ पे रिसीव होती है, यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर रिसीव होती है, तो सन रेज जो है वो पोल्स तक नहीं जा पाती, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा माइनस भी चला जाता है और क्या होता है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है, कूल होता है. ठीक है, जिसकी वजह से कहते हैं कि पोल्स के पास वाले एरिया में ठंडक होती है. अब आपको पता चला क्यों होती है पोल्स के पास में ठंडक, क्योंकि सन हमारा इक्वेटर के पास में होता है, डायरेक्ट
सन रेज हमारी इक्वेटर पे पड़ती हैं या इक्वेटर के पास वाले जो एरिया है वहाँ पे पड़ती है, इसलिए यहाँ पे गर्मी, और पोल्स पे हमारी जो सन रेज है वो डायरेक्ट फॉल नहीं कर पाती और इवन इतना टेढ़ा होकर वो जा भी नहीं पाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। इवन आप मानोगे यहाँ के कई एरिया में -0 डिग्री भी टेम्परेचर चला जाता है, वहाँ पर बर्फ़ जम जाती है। तो ये कह रहे हैं अब हम इस चैप्टर में एक प्लेस है जिसे हम कहते हैं लैंड ऑफ आइस एंड स्नो, ग्रीनलैंड, उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप मैंने आपको आज जितना समझाया है आपको समझ में आया होगा। इसको आप अच्छे से रीड आउट करेंगे एंड इसके आगे का कंटिन्यू हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।